नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा जो है पेज नंबर 41 से स्टार्ट होगा। एक बार फिर मैं अमित आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्लास 5 मैथमेटिक्स के हाउ मेनी स्क्वायर सेक्शन के अंतर्गत ट्राई ट्राइंगल्स पेज नंबर 41। तो इससे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में जान चुके हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, देखा था ये एक रेक्टेंगल का हाफ पार्ट होता है, तो इसलिए इसका एरिया 1/2 BH होता है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है जो कि हम अगले क्लासों में पढ़ेंगे। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है और किसी खास बेस या किसी खास साइड से आप ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना, और उसकी हाइट जो है वो रेक्टेंगल का दूसरा पार्ट है, तो वो क्या होता है, बेस अगर आप सेम रखते हैं और ऊपर का जो हाइट है वो भी सेम रखते हैं, सिर्फ आप उसका शेप चेंज करते रहते हैं अगर, तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये नेक्स्ट क्लास में आप इस तरह से इसको पढ़ेंगे, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये जो आपका पेज नंबर 41 में टू ट्रायंगल्स बने हुए हैं एक खास रेक्टेंगल के अंदर, तो ये भी कुछ उसी प्रकार का है। इसमें देखिए बेस फर्स्ट जो है वो ब्लू कलर का, जो ट्रायंगल देख रहे हैं उसका जो बॉटम लाइन है उसके ऊपर रेड कलर का ट्रायंगल आ गया है, इसलिए वो उसका बेस नहीं दिख रहा है, लेकिन बेस दोनों का सेम है। और फिर हाइट देखिए 1, 2, 3, 4 रेक्टेंगल का पार्ट का एक ये हाइट है और बेस हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 यूनिट बेस है और 4 यूनिट इसका हाइट है। दूसरे ट्रायंगल में आप देखिए रेड कलर में भी, उसमें भी 5 यूनिट बेस है और हाइट जो मैक्सिमम गई है उसकी वो ब्लू कलर के रेक्टेंगल के ब्लू कलर के ट्रायंगल के अंदर, ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है उसी उसी अनुसार ये रेड कलर का भी ट्रायंगल है, उतना ही हाइट का है ये। तो ये सारे दोनों जो हैं वो एक ही रेक्टेंगल के पार्ट हैं। इसमें आप देखिए ये आपका बेस हो गया दोनों का और ये हाइट जो जा रहा था ये हाइट है। तो इसमें क्या होता है, बोथ द बिग ट्रायंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया बट दिस लुक वेरी डिफरेंट। द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल इज, यहाँ आप देखिए इसका ट्रायंगल जो है वो एक रेक्टेंगल के अंदर है और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, लेंथ इंटू बेस कीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कीजिएगा, तो लेंथ जो है वो 5 है और ये 4 है, तो ये हो गया आपका 20। लेकिन आपको रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल लिए हैं, अब ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, 20, हाफ ऑफ 20 इजकल टू 10। एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्रायंगल, चूंकि ये दोनों भी सेम ही हैं ब्लू और रेड, तो उसका एरिया भी क्या होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, वो भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई आपकी ट्रायंगल का पार्ट है। इसको दूसरे तरीके से आप देखिए, इसमें दो ट्रायंगल
में बांट दिया गया है। इस रेक्टेंगल को भी दो टाइप के रेक्टेंगल में बांट दिया गया है, जैसे देखिए ये और ये, यहाँ तक आप एक बार कर लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आप एक बार कर लीजिए, तो ये देखिए 1 2 3 4 × 3, 4 3 4 3 12, और हाफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 6, तो इधर से आपका 6 निकल गया। उसी तरह 1 2 3 4, 4 एंड 2, तो 4 2 8, और हाफ ऑफ 8 इज इक्वल टू 4, तो ये आपका इधर 4 हो गया। तो इस ट्रेंगल का जो हो गया एरिया वो हो गया 6 + 4 यानी 10 cm², वो सेम हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, उससे पहले आप इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। जो फर्स्ट वन था 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका हाफ आप कीजिएगा तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसका आंसर लिखिएगा, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 / 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड सेकेंड क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन आप इस तरह से दीजिए। देर आर टू रेक्टेंगल, द ऑरेंज रेक्टेंगल कॉन्टेंस 12 complete squares एंड द ग्रीन रेक्टेंगल कॉन्टेंस 8 complete squares। दस एरिया ऑफ एन ऑरेंज रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द ऑरेंज पोर्शन ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू 12 / 2 डैट मीन्स 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन ऑफ द ट्रेंगल इज इक्वल टू 8 / 2 स्क्वायर सेंटीमीटर डैट मीन्स 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेड ट्रेंगल डैट मीन्स ऑरेंज पोर्शन एंड ग्रीन पोर्शन, सम ऑफ ऑरेंज पोर्शन एंड ग्रीन पोर्शन डैट मीन्स 6 + 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ द रेड ट्रेंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट पेज आप देख लीजिए, कंप्लीट द शेप। सुरुचि ड्रिव टू साइड्स ऑफ ए शेप, सी आर्क अ शेप टू कंप्लीट द शेप विथ टू मोर साइड्स सो दैट इट्स एरिया ऑफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक्टिविटी आप लोग भी कीजिए। ही कंप्लीटेड द शेप लाइक दिस। हाउ डिड यू डू दिस? ओ दैट इजी। If you look at the green area, it is 4 square centimeter. Green area is the part of 4 × 2. 4 × 2. That means 8 square centimeter rectangles divided by 2. That means 4 centimeter. And yellow area, the part of 1 2 3 1 2 3 4, 4 × 3, that means 12 square centimeter rectangle divided by 2, that means 6 square centimeter rectangle, 6 + 4, that means 10 square centimeter. Okay, and now is he correct? Yes. Now write this exclamation. Yes. Okay. Is he correct? Discuss. Explain how the green area is 4 square centimeter and the yellow area is 6 square centimeter. Write you. Yes, Asif is correct. We will ignore a square that is less than half filled.
and we will count the square as 1 if it is more than half filled. In the green portion, we have 2 complete square and 4 half square. Area of 1 complete square is equal to 1 square centimeter. So total area of green portion is equal to area of 2 complete squares plus area of 4 half squares. 2 plus 2 squares is equal to 4 square centimeter. In the yellow portion, we have 3 complete squares. 3 squares that are more than half filled and 2 squares that are less than half filled. Now area of 1 complete square is equal to 1 square centimeter. Area of the yellow portion is equal to area of 3 complete squares plus area of 3 squares more than half filled. 3 plus 3 square centimeter, that means 6 square centimeter. So ye to hai logic, on the base of logical. And on the base of theorem bhi aap dekh chuke hain, half of the rectangle. To aap ke paas 2 methods hain, both methods se aap isko solve kar sakte hain. Half of rectangle yani area of triangle jo hai wo half of rectangle ho raha hai, ye starting se hum log dekhte aa rahe hain. तो उसको हम 2 रेक्टेंगल में बांट देंगे और फिर हम लोग उस पर उसका हाफ हाफ करके देखेंगे. जैसे आपने ये एक ये है और एक ये है, इस साइड है आपका रेक्टेंगल और एक इस साइड बॉटम साइड में, और इस दोनों में आप देखिए रेक्टेंगल में आपने देखा 4 × 2 डैट मीन्स 8, और इसका आप हाफ करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4, और ये बॉटम का जो भाग है वो क्या है, ये आपका हो गया 4 × 3 डैट मीन्स 12, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2 डैट मीन्स 6. तो यहाँ से आपको मिल गया, दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ से आपको 4 मिल गया है, ये इस पार्ट का है एरिया, और यहाँ से आपको 6 मिल गया है, ये इस पार्ट का है एरिया. दोनों प्लस होगा तो 4 + 6 इक्वल टू 10. तो इस तरह से आप इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया है, और यहाँ तक के आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए. आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज कीजिए, दोनों सही है. और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 43 के आगे से उसके बाद हम उस पर विचार विमर्श करेंगे और लिखेंगे सीखेंगे. तब तक के लिए